नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कि कुछ दिन पहले हरियाणा के वल्लभगढ़ में अनीता नामक युवती को लव जिहाद में असफल होने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसी को लेकर आज धामपुर SDM कोर्ट तिराहा पर हिंदू रक्षा सेना द्वारा लव जिहाद का पुतला फूंका गया। वो लव जिहादियों को फांसी देने की मांग की। हिंदू रक्षा सेना के जिलाध्यक्ष अरुण प्रताप ने कहा, लव जिहाद को लेकर सरकार कड़ा रुख अपनाए, नहीं तो हिंदू रक्षा सेना सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदर्शन करने वालों में हिंदू रक्षा सेना की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या चौधरी, डॉक्टर अनुज सिंह, नीलम सिंह, देवेंद्र कुमार आदि रहे। जिस तरह तौफीक और रिहान ने गोली मारी है, इसी तरह हिंदू रक्षा सेना प्रतिबद्ध हो चुकी है, कटिबद्ध हो चुकी है कि अगर हिंदू लड़की के साथ इस तरह का भविष्य में कोई भी काम होता है, उसके लिए हिंदू रक्षा सेना जिस तरह वो शिकार कर रहे हैं, हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता भी इन जिहादियों का इसी तरह शिकार करेंगे। आज केवल ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को ये अवगत कराना है कि या तो सरकार सजग हो जाए इस तरह के जिहादियों को सबक सिखाने के लिए, उनको फांसी दे, और अगर सरकार इसके प्रति अगर अपना रवैया इसी तरह सुस्त रखेगी तो हिंदू रक्षा सेना सड़कों पर उतरेगी, उग्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज अब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।